हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज तो है संडे, तो अभी रेस्ट कर रहा हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सोच रहा हूँ गेम खेलूँ, फ्री फायर खेलूँगा। फ्री फायर कभी कभी मैं खेल लेता हूँ, तो आज तो ऐसे भी ब्रेक है, छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करके गेम खेलूँगा। तो ब्रेकफास्ट जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। बालों को क्या हुआ है? बहुत टाइम से देख रहा हो, तुम ऐसे देख रही हो, हाँ, ये नीचे की तरफ से बहुत से बाल खराब हो गए। एक्चुअली क्यों खराब क्यों है? बहुत दिनों से मैंने कोई हेयर कट नहीं दिया है ना, तो इसलिए। हेयर कट नहीं करने से खराब हो जाता है क्या? हाँ, 3 महीने के बाद हेयर ट्रिम करना होता है, तो मैंने ट्रिम दिखाओ नहीं क्या हुआ किया। है। ये देखो, नीचे की तरफ से बाल कितने खराब हो गए, अच्छा, तो मैं सोच रही हूँ कि पार्लर जाके कोई एक हेयर कट करवा दूँ। तो अभी क्यों पल्ला जाओगे? अभी तो पूजा भी खत्म हो गया, कोई ओकेशन भी नहीं आ रहा है, तो क्या तब करूँ। कराने से तो पूजा के टाइम कराती, तब हाँ, तो ये भी ठीक है, लेकिन मैं उस टाइम तो नहीं जा पाई, और कराने से तो मेरे पूजा बहुत के सारे टाइम बाल करने भी से। जल रहे हैं इतने दिनों से, तो मैं सोच रही थी बाल थोड़ा छोटा ही कर दूँ। तो पूजा के पहले कराती तो नया लुक भी बनता। अब पूजा वूजा सब कुछ ओकेशन ख़त्म हो गया, आप कराओगी क्या? तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो बाल कटवाना ही है। तो मैं काट के दे देता हूँ। तुम मुझे हेयर कट करवा दोगी? तो क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम तो तुमने मैं मुझे, तुमसे कोई रिस्क लेने वाली नहीं हूँ। तो मैंने तो रिस्क ले लिया था, 2 साल मैंने लॉकडाउन के टाइम तुमसे ही मैंने कटवाया था। हाँ, ये तो ठीक है, मैंने तो तुम्हें अच्छी तरह से काट करके दिया था। तो ट्राई किया अच्छा था ठीक ना, है, तुम आज मुझे काट करके दे दो, एक सिंपल तरीके से उसे, जस्ट एक सिंपल काट करके दे दो। सिंपल कट मतलब स्ट्रेट कट होगा ना, स्ट्रेट कट तुम तो अच्छा कर सकते हो, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट करके दे दो, तो नीचे के बाल जो है ना खराब हो गए वो चला जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कर आप दूंगा। बाद में मैं पार्लर में जाके एक अच्छे से काट करवा दूंगा। हाँ तो एक बार ट्राई करके देख हाँ लो, हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ नैना का हेयर कट कर दिया है। नैना को पूछते हैं कि कैसा हुआ, पहली बार मैंने कट किया है। नैना क्या हुआ हेयर कट बताओ? ठीक ही है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बाल छोटा हो गया। हाँ तो सब साइड इक्वल करने के लिए तो काटना होगा ना। ठीक है, अच्छी तरह से अब हेयर ग्रोथ भी होगी। हाँ खुश हो? ठीक है। सो दिवाली ख़त्म हो गई है, दिवाली की लाइटें अभी भी बाहर लगी हुई है, उन सबको मैं अभी निकाल दूंगा क्योंकि फिर कल से काम में लग जाऊंगा। तो आज संडे है, तो संडे के दिन लाइटें निकाल के रख देता हूँ, उनको फिर संभाल के रखना होगा। नेक्स्ट दिवाली में भी ये सब लाइटें को यूज़ करना है। सभी दिवाली के लाइट निकाल लिया है और अब उन सबको मैं पैक करके रख रहा हूँ। कल जिस भाई के घर में मैं गई थी, वही भाई आज गए थे मेरे घर में, यानी मायके में गए थे। यहाँ पर मेरे और दो बड़े भैया रहते हैं, तो बड़े भैया ने मेरे लिए कुछ सामान यानी ज़रूरी चीज़ें भी भेजा है, और साथ में और कुछ खाने की चीज़ भी भेजा है। तो दिखाती हूँ आपको क्या भेजा है। ये है मिठाई में ये, और ये नारियल, ये चिप्स, ये मिलानो बिस्किट जो मुझे बहुत ही फेवरेट है, और ये है खट्टा में एक, मुझे यहाँ पर हमारे यहाँ पर बोलते हैं आमरा, आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं बोलना। अमरदीप, यहाँ पर देखो क्या मेरे ऊपर ये टी शर्ट कैसा लग रहा है। ये तो मेरा टी शर्ट है, तुमने क्यों पहना? तुमने ही तो मुझे दिया, मैंने कब दिया? झूठ मत बोलो, तुमने मुझे दे दिया था, कब? तुमने बोला था ना ये पहन लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो उस टाइम तुम उसे निकाल लेते, तो मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुमने मुझे दे दिया। अभी बोलो मैंने कब दिया कौन सा पहना है तुमने? ये वाला, और भी है तुमने मुझे दिया। अच्छा हाँ, ये तो बहुत पहले दिया था मैंने। हाँ, ये तो मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, ये तो तुमको दे ही दिया था मैंने। तो कैसा लग रहा है। हाँ ठीक ही दिख रहा है। और भी मैंने लिया है तुमको ना बता के, कौन सा लिया? जो तुम पहनते नहीं हो मैं पहनूंगी। देखूंगा कौन सा लिया है।
मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तो पहनोगी तुम्हारे सामने ही ना? ना नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं पहनूंगी। और तुम्हें तुम्हें क्या सब टी शर्ट याद है क्या, तुम्हारे कौन कौन सा टी शर्ट है? तुम तो इसे भूल ही जाते हो। तुम्हारे इतने सारे टी शर्ट शर्ट है ना, तुम इसे सब भूल जाते हो। बिल्कुल नहीं, देखने से मैं पहचान जाऊंगा कौन सा तुमने लिया है। तो क्या हुआ, मैं तो पहन लूंगी, देखता हूँ ना कौन सा लिया है। सो आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का मैच में न्यूजीलैंड जीत गई है, अफगानिस्तान हार गई है, और इसी से इंडिया का जो रास्ता था वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाने का, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब इंडिया अपना लास्ट मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। सो कोई बात नहीं, अगले साल फिर वर्ल्ड कप आएगा, नेक्स्ट ईयर 2022 में फिर से T20 वर्ल्ड कप है। आई होप कि उस साल इंडिया बेटर परफॉर्म करेगी और फिर सेमीफाइनल में फाइनल में जाएगी, होप्स होगी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी जीते। तो इस साल तो ख़त्म हो गया, इंडिया का जो रास्ता बंद हो गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से हम देखेंगे इंडिया क्या करती है। नैना ये क्या बना रही हो आज, रोटी नहीं बना रही हो? नहीं, आज मैं और एक तरीके से पुलाव बना रही हूँ। किस चीज़ का पुलाव है ये? गोभी की सब्जी रहेगी ना तो ऊपर में फूल गोभी वाली। हाँ, तो आज रोटी नहीं बनाओगी? नहीं, रोटी नहीं बनाऊंगी आज, ये खाऊंगी। पसंद है ये? बनाओ, ठीक है, खाते हैं। मुझे लगा तुम रोटी बना रही हो। नहीं, आज रोटी नहीं बनाऊंगी, आज ये बनाऊंगी। अच्छा, इसलिए प्रेशर कुकर आवाज़ सुन के मैं आया, मुझे लगा क्या कर रही हो। हाँ, नए तरीके से मैं बना रही हूँ, अच्छा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा 10 मिनट। अच्छा, तो अभी नैना गोभी पुलाव लेके आ गई है और हम अभी डिनर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।